स्मृति, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कल के टेस्ट के बारे में। कल टेस्ट का पहला दिन है और बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं इस टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके का ये टेस्ट होगा, किस विषय पे ये टेस्ट होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से यह सीरीज आगे बढ़ेगा, कौन कौन से विषय के टेस्ट लिए जाएंगे, कितने सेट मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास। कोशिश करूंगी कि आज की क्लास में इन सारे क्वेश्चन का आंसर करने का। सबसे पहले तो कल के टेस्ट की हम लोग बात करें, जो कल मॉर्निंग में आप लोगों को सेट मिलेगा उसके बारे में। सुबह के 6 बजे आप लोगों के ग्रुप में सेट, पहला सेट जो है वो जाएगा। विषय होगा झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। हिंदी में होगा ये टेस्ट, लैंग्वेज होगा वो हिंदी में होगा। और ये जो सेट होगा इसमें मैंने 100 प्रश्नों को शामिल किया है झारखंड के इतिहास से संबंधित। और मेरा प्रयास यही रहा है इस सेट को तैयार करने में कि झारखंड के इतिहास को, पूरे इतिहास को इस 100 प्रश्नों में शामिल करने का। अगर आप एक सेट लगाते हैं इन 100 प्रश्नों का तो आप 500 प्रश्नों का उत्तर करने में सक्षम होते हैं। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सेट किया है। थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आप आंसर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। एक और बात मैं आप लोगों से कह दूं, टेस्ट के लिए आपने पे किया है, क्वेश्चन को आप लिख नहीं करेंगे, अपने पास ही सीमित रखेंगे, ठीक है ना। और एक सेट बनाने में मुझे 3 दिन का टाइम लगा है। मैंने बहुत सारा मेहनत किया है, क्वेश्चन को लिखना, निकालना, किस तरीके से कंबाइंड करना, फिर उसको उसका आंसर सेट करना, फिर उसको प्रिंट करवाना। प्रिंटिंग के लिए मुझे दिन भर बाहर भी रहना पड़ा है इसके लिए, और मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है। तो इसका आप लिहाज जरूर करेंगे, टेस्ट को अपने पास ही सीमित रखेंगे और ये भी आप समझेंगे कि आपने इसको पे करके लिया है। टेस्ट देने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग में जैसे 6 बजे आप लोगों को टेस्ट पेपर मिल जाएगा, PDF के फॉर्म में होगा ये टेस्ट। आप चाहें तो उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, अपने पास सेव करके रख सकते हैं। आंसर जो होगा उसको जब आप आंसर उसका करेंगे तो उसका स्कैन करके, उसको उसका पिक लेकर के आप ग्रुप में सेंड करेंगे। ग्रुप को मैं ओपन करूंगी 3 o'clock में इवनिंग के, शाम के 3 बजे मैं ग्रुप को ओपन करूंगी। उसमें आप लोग अपने आंसर को सेंड करेंगे, 2 घंटे तक ये ओपन रहेगा, 5 बजे तक। और 5 बजे, शाम के 5 बजे मैं अपने आंसर को आप लोगों को दूंगी और आप लोग मिलाएंगे उसको कि आपने कितना आंसर सही किया है। तो इस तरीके से टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो जॉब में हैं, जॉब में रहते हुए वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के पास समय का अभाव है, लेकिन पूरा प्रयास कीजिएगा आप इस टेस्ट को देने का। आप चाहे रिविजन किए हो या नहीं किए हो, या पढ़े हो या नहीं पढ़े, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं मिल पाता होगा रिविजन करने का या पढ़ने का, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करने में आप अपने दिमाग को लगाएंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों का, अगर पहले भी पढ़े होंगे कुछ उसके बारे में, तो आपको याद आ जाएगा या फिर उसी समय आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। एक टेस्ट को लगाएंगे तो पूरे झारखंड का इतिहास जो है वो कवर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको सेट किया है और यही कारण है कि विषय के आधार पर मैं इस टेस्ट को लेकर आगे बढ़ूंगी। पहले झारखंड के इतिहास विषय का टेस्ट होगा, फिर इसके बाद का जो टेस्ट आप लोगों को मिलेगा इसके बाद वाले संडे को, नेक्स्ट संडे को, तो वो होगा झारखंड के भूगोल का, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। तो उसका आप लोगों को सेट मिलेगा। और सेट का जो सेट होगा, सेट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस आधार में पूछे जाएंगे, जैसे प्रश्न, जैसे झारखंड की कला और संस्कृति से प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे त्योहार हो गया, आर्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं झारखंड में जानने के लिए, क्योंकि जनजातियां बहुत सारी हैं, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो झारखंड की कला और संस्कृति से 2 सेट जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। फिर झारखंड की राज व्यवस्था जो मैंने पढ़ा रखा है, झारखंड के करंट अफेयर के भी 2 सेट आपको मिलेंगे। झारखंड की करंट अफेयर का भी वेटेज होता है, तो इसके भी 2 सेट मिलेंगे। तो कुल मिला करके 15 सेट आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा, जो कंबाइंड होगा JSSC CGL और JPSC दोनों में। ऐसे 15 सेट आप लोगों को मिलने वाले हैं इस टेस्ट में। और 20 सेट मिलेंगे उन सारे स्टूडेंट को जो JPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 5 सेट एक्स्ट्रा होगा उन 5 विषयों पे, मतलब अलग अलग विषयों पे जो झारखंड PSC में
अलग से आप लोगों को पढ़ने हैं, जैसे कि सीएनटी एक्ट हो गया, एसपीटी एक्ट हो गया, और भी जो एक्ट पढ़ने हैं उन सभी से रिलेटेड 5 सेट एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे जो जेपी, 5 से 7 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अगर अभी तो वीकली चलेगा ये टेस्ट, जैसे कि पर अगले सप्ताह में मैं जैसे इस सप्ताह भी जैसे कल लूंगी, फिर अगले सप्ताह संडे को लूंगी, फिर ऐसे कर करके संडे को लूंगी। लेकिन जैसे ही किसी भी एग्जाम का डेट आ जाता है, या जेएसएससी का डेट आ जाता है, या फिर जेपीएससी का डेट अनाउंस होता है, एग्जाम का डेट ना कि फॉर्म भरे जाने का, जैसे ही एग्जाम का डेट अनाउंस होता है वैसे ही एक सप्ताह में मैं 2 टेस्ट 3 सेट अरेंज करूंगी, इस तरीके से टेस्ट लूंगी। मैंने आपको जैसे बताया है कि मुझे एक सेट को तैयार करने में, एक टेस्ट को तैयार करने में मुझे 3 दिन का समय लगा है, मैंने दिन रात एक करा है इस टेस्ट को तैयार करने में। जैसे कि एक पूरा दिन मुझे भी बाहर रहना पड़ा, ऐसा भी कभी कभी मौका हुआ है, तो आप लोग इसका जरूर लिहाज करेंगे। एक बात और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं इस टेस्ट से संबंधित, कि इसमें जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है इस टेस्ट में जो मैं टेस्ट लूंगी, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कितना आंसर कर रहे हैं या किन्होंने कितना कर दिया, हाईएस्ट स्कोर किसने लेकर आया, इसके लिए टेस्ट नहीं है। मैं टेस्ट इसलिए ले रही हूं कि मैंने अब तक जितना पढ़ाया है, कितनी बारीकी से आप लोगों ने पढ़ा है, इसके लिए मैं टेस्ट ले रही हूं। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आने वाले जो एग्जाम होंगे इसके लिए आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो आप लोगों का जो झिझक होगा एग्जाम देने का वो निकल जाएगा, और आप यूज्ड टू हो जाएंगे एग्जाम से। इस ये मकसद है मुझे टेस्ट लेने का। तो जितना भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, लेकिन क्वेश्चन सेट जो है वो जरूर लगाइएगा आप लोग। और आज कल का जो टेस्ट होगा इसके लिए आप लोग जितना उत्साहित हैं उतना ही उत्साहित मैं भी हूं। जैसा मैंने बताया कि मैंने एक टेस्ट को तैयार करने में काफी मेहनत किया है, और इस ये मेरी क्रिएटिविटी आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये मेरे लिए मेरी लाइफ का ये इस तरीके का काम मैंने पहली बार किया है। जैसे आप लोग मेरे यूट्यूब की जर्नी को आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से, कि कैसे मैंने इस यूट्यूब पे शुरुआत किया है। टेस्ट मैंने अभी तक लिया नहीं था, और कोशिश किया है मैंने वैसे प्रश्नों को शामिल करने का जिसका लेवल थोड़ा सा हाई है। घबराएंगे आप लोग बिल्कुल भी नहीं, आंसर जरूर करेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही, और इंतजार कीजिए कल मॉर्निंग का। कल मॉर्निंग में आप लोग को सेट का और मतलब पहला सेट जो है वो मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद। और जो भी मेरे मित्र अगर टेस्ट में नहीं शामिल हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, आपको किस तरीके से टेस्ट में जुड़ना है तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलिए मॉर्निंग में मिलते हैं, और आप लोग टेस्ट लगाइए, और कल हम लोग झारखंड के करंट अफेयर का जो क्लास होगा वो भी करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।